अस्सलाम वालेकुम। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है ये AS एग्ज़ाम का गेस्ट पेपर मैं आपको बता रहा हूँ 2023 के लिए। तो देखेंगे ये तकरीबन 12 टॉपिक हैं। सबसे पहले है वायर डायर ट्रायल, ये PLD 2029 और 2023 है, CRC 412 पेज पर है, जस्टिस अमजद रफीक साहब की ये साइटेशन है। इस पर मेरी वीडियो मौजूद है, अबेटमेंट ऑफ अपील, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो इसका सेक्शन 413 है, 431 है, और ये मौजूदा फौजदारी अपील कब ख़त्म होती है उसके असरात हैं। ये ऑनरेबल जस्टिस अमजद रफीक साहब की साइटेशन है जो लाहौर हाईकोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। एडिशनल क्वेश्चन टू अक्यूज आफ्टर हिज स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 342, ये इस पर 342 के मतलब कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ये PLA 2023 CRC 195DB है और यही साइटेशन 2023 PCRLA 805 सफ़े पर है। अब 157 जो है इसका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, इस पर मेरी वीडियो है, 157 और 154 का डिफरेंस है। तो ये PLG 2023 CRC 237 है, उसके बाद कंडीशनल बेल ऑर्डर है, उसके बाद 417 है यानी एक्यूटल के मतलब है। तो PLG 2022 CRC 1599 और 2022 PCRLJ 50 जो है, उसके बाद ये 1385 इसका पेज है। आप इसके बाद देखें, हार्ड एंड डेस्परेट डेंजरस क्रिमिनल जो है उसकी बेल जो है, उसका फैक्ट ऑन बेल है, ये आपने बेल को सारा ही पढ़ लेना है, लेकिन ये भी ऑनरेबल जस्टिस जो है उसकी साइटेशन है, ऑनरेबल जस्टिस अमजद रफीक साहब की। और जुवेनाइल और CRPC के लिए, ये दोनों के लिए हैं टॉपिक, 2022 PLJ CRC 918 है। देखिए ना कि बेल आम तौर पर जुवेनाइल को दी जाती है, तो लेकिन हार्ड एंड डेस्परेट क्रिमिनल को नहीं दी जाती, तो आपने ये दोनों के लिए तैयार करना है। अब उसके बाद है 464 से लेकर 473 तक जो है आपने देख लेना है CRPC को, PLD 2022 लाहौर 512। अब उसके बाद है कि क्या 164 का बयान जो है आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, तो इस पर PLJ 2022 लाहौर 302 पेज पर है, PLD 2022 लाहौर 545 पर यही है। अब आखिर में ये दो जो हैं 540 CRPC जो है, ये इसके ऊपर PLD 2022 लाहौर 319 है, PLJ 2022 CRC 1229 है, इस पर भी मेरी एक वीडियो है। 265F जो है ये PLJ 2021 CRC 1772 है, 2022 का है PCRLJ 259 इसका पेज है। 265F जो है उसका इफेक्ट ऑफ डिफेंस एविडेंस ऑन ट्रायल है, उसके बाद रेमेडी अगेंस्ट जो है डिसोबीडियंट ऑफ जस्टिस ऑफ पीस, या जस्टिस ऑफ पीस के जो ऑर्डर की अगर कोई वायलेशन करता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, 2021 PCRLJ 1779 है और 2021 PLJ लाहौर 951 है। तो ये सारे हैं ना इस ऑनरेबल जस्टिस अमजद रफीक साहब की अथॉरिटीज। सिविल जज के लिए आपने इनके साथ जो है वो देख लेना है, जो चार्ज है वो सबसे पहले आपने चार्ज की डेफिनेशन 221 से 240 इसमें जॉइंटेड ऑफ चार्ज, 233-34 वाला जो है वो आपने देख लेना है कि, और उसके बाद इफेक्ट ऑफ मटेरियल जो इसमें एरर है 232 को देख लेना, इसमें मेरी सारी वीडियोस मौजूद हैं क्रिमिनल जो सेक्शन में, तो ये आपने देख लेना है। उसके बाद जो है ट्रायल जो है मजिस्ट्रियल ट्रायल जो है 241 से 250 तक आपने देख लेना है, और उसके बाद जो है आपने अगर आपको उन्होंने पहचाना हो ना तो फिर वो इस तरह का सवाल भी पूछ सकता है कि जो 117 से 119 से लेकर 124 तक जो है वो इस तरह का सवाल पूछेगा, वरना जो है वो चार्ज फ्रेम जो भी अदालत में काम होता है ना वो उसके मतलब आपसे पूछ सकते हैं, जो कि सिविल जज का काम होता है, जैसे चार्ज लगाना है, उसके बाद एविडेंस जैसे 354 से 360 तक है, उसके बाद जो है ट्रायल के पूछा जा सकता है। तो ये सारे ऐसे मैटर्स जिसमें एविडेंस रिकॉर्ड हो, ट्रायल हो, उसके बाद चार्ज फ्रेम हो, उसके बाद 540 है जैसे, उसमें पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस 205-540 से है, इस तरह की जितनी भी हैं ना जो आपने सेक्शंस हैं इनको देख लेना है। इस पर मेरा पहले भी CRPC का एक जो है ना वो वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने गेस्ट दिया था, आपने इन दोनों को देख लेना है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा एफर्ट जो है वो ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू।